दुनिया के तेज तरीन बॉलर पिंडी एक्सप्रेस शेब अख्तर ने कहा है मोहम्मद हफीज़ को, इस वक्त आप हेड कोच हैं, अहमद वसीम और मोहम्मद आमिर को टीम में लिया जाए। शान मसूद कैप्टन, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नुमान अली, सैम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, साउद शकील और शहीन शाह अफरीदी। तो ये हमारा 18 रुकनी स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए जाएगा। इसमें एक अपडेट आपको देता जाऊं, हमारी बात हुई थी हारिस राउफ से इस टूर के लिए, और हारिस राउफ से जब 2 दिन पहले बात हुई थी तो ही गेव हिज कंसेंट कि ही विल प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, लेकिन कल रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया एंड ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। ये आपको बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी लोगों के काफ़ी सवाल आते हैं, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर एक को एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद द ऑफिशियल्स, विद द टीममेट्स एंड विद द पब्लिक जो फैंस हैं हमारे। शेब अख्तर ने मोहम्मद हफीज हेड कोच को कहा है, और जो पहले चीफ सिलेक्टर थे इंजमामुल हक थे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जा रही है पाकिस्तान की टीम, तो इसलिए शेब अख्तर ने कहा है कि बाकी तमाम जो प्लेयर्स हैं उनका आपने नाम लिया है और आप सिलेक्ट कर रहे हैं मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम को लिया जाए, क्योंकि आगे जो चैम्पियन ट्राफी आ रही है, और मोहम्मद अब्बास भी वो भी इतराज़ कर रहे थे, बाकी इब्रार अहमद, ये सारे तमाम प्लेयर जो है ना उनको जो है लाया जा रहा है और खेलने के लिए टेस्ट, जो पहला टेस्ट खेला जाएगा 14 दिसंबर को खेला जाएगा, दूसरा जो है वो 16 दिसंबर को खेला जाएगा, और जो तीसरा होगा 2024 में 3 तारीख को खेला जाएगा जनवरी में। तो शेब अख्तर ने कहा है कि मोहम्मद आमिर का कम बैक करना जो टीम के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी ये 2017 वाली टीम जाके बनेगी, तो इससे जो आने वाले नेक्स्ट ट्रॉफी में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर इंजमामुल हक ने जो टीम को सिलेक्ट किया था उनमें जो है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का नाम नहीं था, तो टेस्ट स्क्वाड में इनको प्रैक्टिस हो जाएगी और आने वाले फ्यूचर प्लान में बहुत अच्छा सूदमंद होगा पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने मायूसी और परेशानी का सामना किया वर्ल्ड कप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये तमाम प्लेयर जो फिट हो जाएंगे, नसीम शाह भी आ जाएंगे, और पाकिस्तान के जो स्ट्रेंथ, जो स्पीड है, जो स्विंग है, और जो बॉलर हैं पेसर और जो स्पिनर हैं वो तमाम ठीक हो जाएंगे, और पाकिस्तान को पता चल जाएगा कौन किस कैटेगरी में आता है और कौन हमारा जो विकेट लीडिंग विकेट टेकर है, इससे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त जो है स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत ज़रूरत है, और जो बॉलिंग है इन स्विंगर यारकर मारने वाले जो लीडिंग विकेट टेकर वो इमाद वसीम है, और उसके बाद वो अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, और मोहम्मद आमिर वो विकेट यानी कि लीडिंग विकेट टेकर हैं। नसीम शाह की कमी जो है वो पूरी अभी तक वर्ल्ड कप में नहीं हुई थी, लेकिन मोहम्मद आमिर के आने से वो तमाम तर कुवतें, तमाम तर बॉलिंग इन आउट स्विंग देखने को मिलेगा और पाकिस्तान की टीम कम बैक करेगी। नसीम शाह अभी अभी उमर गुल कह रहे हैं जो बॉलिंग कोच हैं कि नसीम शाह जो है मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए और वो भी कम बैक करेंगे, और इससे पहले जो मेन जो मुद्दा है वो मोहम्मद हफीज़ से शेब अख्तर ने जो कहा है कि मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम को टीम में वापस लाया जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिस करेंगे, उनका जो खोया हुआ रिदम है वो वापस आ जाएगा, और टीम के लिए एक बहुत सरप्राइज़ होगा, एक गिफ्ट होगा, और क्योंकि इस वक्त दुनिया की नंबर वन टीम ऑस्ट्रेलिया है और पाकिस्तान की टीम जो है जाके उसके साथ खेलेगी, प्रैक्टिस करेगी, और लड़कों के अंदर जैसे मोहम्मद रिजवान ये तमाम जो प्लेयर वहाँ जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे, और जो स्पिन डिपार्टमेंट जो में जो कमज़ोरी है वो बिल्कुल उसमें जान आएगी,
और बैटिंग में निखार आ गया, क्योंकि बाबर आजम तो इस वक्त कैप्टन नहीं है, लेकिन वो एक और अपने आप को मज़ीद रिबिल्ड कर रहे हैं और अपने अंदर जो कमी बेशी है उसको पूरा कर रहे हैं। तो इस वक्त वर्ल्ड कप से जो थकी हारी टीम ऑस्ट्रेलिया की वो भी लौटी है और अभी T20 भी खेल रही है, और पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो इस वक्त वापस अपने रिदम में आना चाहते हैं, क्योंकि बाबर आजम पे तमाम लोगों की नज़रें हैं और टेस्ट के अंदर बाबर आजम पाकिस्तान का असासा हैं। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो हर साल हर दिन एक नए बैटिंग स्टाइल, जब बैटिंग लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की अप डाउन हो रही है लेकिन फिर वो उठते हैं, जैसे मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप के अंदर 200 स्कोर बनाया था और बाद में फिर T20 के अंदर अभी 104 स्कोर बनाए हैं, वो भी 48 गेंदों पर। तो पाकिस्तान के पास भी इफ्तिखार अहमद हैं जो अनबीटन खेलते हैं, जब वो खेलते हैं तो फिर खेलते जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, और मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम कम बैक कर रहे हैं बकौल शोएब अख्तर।